हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केवल एक आलू का एक ऐसा नाश्ता जो आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आने वाला है या फिर बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों, आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो आलू का ये टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने केवल एक ही आलू लिया है और आप देख सकते हैं मीडियम साइज़ का मैंने आलू लिया है। तो इससे हम ये नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इस आलू को हम पील कर लेंगे अच्छे से, यानी इसका जो ऊपर का छिलका है उसे हटा लेंगे। तो यहाँ पे मैं पीलर की सहायता से इसका छिलका है वो हटा रहा हूँ। तो बस आपको इसका छिलका हटा लेना है। तो दोस्तों, आलू का मैंने सारा छिलका हटा लिया। अब इसमें जो काले काले धब्बे हैं उनको भी हम हटा देंगे। तो दोस्तों, आलू को मैंने अच्छे से पील कर लिया है। तो अब एक बाउल में मैं लूँगा थोड़ा सा पानी और इस पानी की सहायता से मैं इस आलू को अच्छे से वॉश कर लूँगा। तो दो बार हमें इस आलू को वॉश करना है यानी धोना है। तो आलू को मैंने अच्छे से धो लिया, आप देख सकते हैं। तो अब इस आलू को मैं किसी कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगा। दोस्तों, आलू को मैंने अच्छे से पोंछ लिया, आप देख सकते हैं। तो अब इस आलू को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। तो अब एक बाउल मैंने लिया है, इसमें डालूंगा मैं 4 टेबल स्पून ग्राम फ्लावर यानी बेसन। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून इसमें बेसन डाल दूंगा, यानी जो 4 चम्मच जिससे हम खाना खाते हैं, 4 चम्मच भर के मैंने इसमें बेसन डाल दिया है। अब इसमें डालूंगा मैं 2 टेबल स्पून रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा। तो मैदा इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर डालूंगा मैं 1/4 टीस्पून नमक। अब इसमें डालूंगा मैं 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इन सभी चीज़ों को मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगा विस्कर की सहायता से। आप चाहें तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। तो इन सभी को मैंने कर लिया अच्छे से मिक्स। तो अब पानी की सहायता से मैं इसकी एकदम पतला सा बैटर बनाकर तैयार कर लूँगा। ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस हमें इसे पतला करना है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह मैं बैटर बनाते जा रहा हूँ और इसकी गुठलियाँ भी हमें ख़त्म कर लेनी है अच्छे से मिक्स करते हुए। तो बैटर की कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो पहले हम बैटर को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो थोड़ा सा पानी इसमें और डालूंगा और बैटर को कर लूंगा मिक्स। तो दोस्तों, बैटर को हमने अच्छे से कर लिया है मिक्स। अब मैं आपको बैटर की कंसिस्टेंसी दिखाता हूँ। तो इस तरह हमें चम्मच में बैटर को लेना है और इस तरह नीचे गिरा देना है सारा का सारा, आप देख सकते हैं इस तरह। तो बाद में आप देखेंगे इसमें थोड़े थोड़े से बस दाने बचे हुए हैं बैटर के, यानी कि पानी की तरह बैटर यानी दूध जो होता है उसी तरह बैटर इस पर चिपका हुआ है। तो बैटर हमारा जो रेडी हो चुका है लगभग। तो अब इसके अंदर डालूंगा मैं 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे लगभग 2 चुटकी भर मैंने बेकिंग सोडा लिया है। तो इस बेकिंग सोडा को इसमें डाल देंगे और इस चम्मच की सहायता से बेकिंग सोडा को और बेसन के घोल को मिक्स कर देंगे। तो बैटर को मैंने अच्छे से कर दिया है मिक्स। जो हमारा बैटर भी है वो एकदम रेडी हो चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिया है एक स्लाइसर, यानी कि आलू को स्लाइस करने का स्लाइसर है। तो आप यहाँ पे मैंने एक प्लेट रख दी नीचे, तो इस प्लेट के अंदर मैं आलू को स्लाइस कर लूँगा, आप देख सकते हैं इस तरह। तो इसी तरह हमें पूरे आलू को स्लाइस कर लेना है। तो आप देख सकते हैं आलू की थिकनेस ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है। तो इसका जो मोटा पार्ट है इसको मैं हटा दूंगा। तो आलू को मैंने अच्छे से स्लाइस कर लिया है, आप देख सकते हैं। आप इसकी थिकनेस एक बार देख सकते हैं किस तरह की है, ये ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है। तो इस तरह का हम आलू को स्लाइस करना है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं। तो अब गैस पर रख दिया मैंने एक कढ़ाई और इस कढ़ाई में डालूंगा मैं लगभग 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल और इस रिफाइंड ऑयल को मैं अच्छे से कढ़ाई के अंदर फैला दूंगा। तो गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया है मीडियम और इस मीडियम फ्लेम पर हमें तेल को हल्का सा गर्म करना है। तेल को मैंने अच्छे से फैला दिया है। अब हमने जो स्लाइस किए हुए आलू थे उनको इस तरह हमें रख देना है कढ़ाई के अंदर। तो सबसे पहले हमें इसके किनारों पर रखेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह। तो एक के ऊपर मैं आलू के स्लाइसेस को रखते जा रहा हूँ थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर। तो इसी तरह हम आलू के स्लाइस को उसको रख देना है, यानी हमें एक सर्कल बना देनी है स्लाइसेस से।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं आलू के स्लाइसेस को मैंने इस तरह रख दिया है। अब इसके बीच में भी मैं यानी सेंटर में भी मैं आलू को रख दूंगा इस तरह स्लाइस करके। तो आलू के स्लाइस को मैंने इस तरह रख दिया है, अब एक बीच में रख देंगे कवर करके। तो आलू के स्लाइसेस को मैंने इसमें रख दिया कढ़ाई के अंदर। अब इस कढ़ाई को मैं कर दूंगा कवर और इसको एक मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसी तरह पकने दूंगा। तो दोस्तों लगभग एक मिनट हो चुका है, हमारे आलू के स्लाइसेस आप देख सकते हैं अच्छे से पक चुके हैं। अब जो बैटर हमने प्रिपेयर किया था इसको एक बार मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा और इसको मिक्स करने के बाद इस बैटर को मैं डाल दूंगा आलू के स्लाइसेस के ऊपर। फिर आलू के स्लाइसेस को हमें बैटर से अच्छे से कर देना है कवर, यानी आलू के जो स्लाइसेस हैं इनको हमें पूरा तरह ढक देना है बैटर से। तो आप देख सकते हैं इस तरह सारा का सारा बैटर मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और आलू हमारे कवर हो चुके हैं। अब इसके किनारों पर मैं डाल दूंगा एक टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल और अब इसको मैं कवर कर दूंगा और एक मिनट के लिए इसी तरह पकने दूंगा। तो एक मिनट तक मैंने इसे पका लिया है, आप देख सकते हैं ये ऊपर से सूख चुका है यानी अभी गीला नहीं है बैटर। तो अब स्पैचुला की सहायता से मैं इसके किनारों को अलग कर लूंगा। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से हो जाता है, चिपकने का कोई डर नहीं है। अब इसको मैं पलट दूंगा इस तरह। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके पीछे की तरफ कितनी अच्छी सी शाइनिंग आई है, बहुत ही अच्छा सा कलर आया है। तो अब इसके किनारों पर डाल दूंगा मैं एक टीस्पून रिफाइंड ऑयल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी हमारे आलू हो चुके हैं। तो दोस्तों अब इसके ऊपर डाल दूंगा मैं थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई और थोड़ा सा नमक, आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए। तो अब इसको मैं कवर कर दूंगा और एक मिनट के लिए इसी तरह पकने दूंगा मीडियम फ्लेम पर। तो दोस्तों लगभग एक मिनट हो चुका है, मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। तो फिर से स्पैचुला की सहायता से मैं इसको अलग कर लूंगा यानी कढ़ाई से इसे अलग कर लूंगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हो जाता है और अब इसको मैं इस तरह हिला लूंगा आप देख सकते हैं ताकि ये अलग हो जाए कढ़ाई से। तो दोस्तों हमारा जो ब्रेकफास्ट यानी जो नाश्ता है आलू का और बेसन का, आप इसे आलू बेसन का चीला भी बोल सकते हैं, तो इसको हम कर लेंगे प्लेट में ट्रांसफर। तो नाश्ता जो हमारा रेडी हो चुका है एकदम गर्मा गर्म। तो अब इसको मैं पिज्जा जैसे हम स्लाइस को यानी पिज्जा को जैसे हम कट करते हैं उसी तरह हम इसको कट कर लेंगे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस नाश्ते की 8 स्लाइस मैं बनाकर तैयार किए हैं। तो दोस्तों ये नाश्ता आपके फैमिली के लिए एकदम परफेक्ट नाश्ता होगा। तो दोस्तों आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा ये नाश्ता, तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।